आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। लेता हुआ सभी लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यशाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये दीप ज्ञान के लिए है कि हम शिक्षा के प्रकाश को फैला रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय महोदय, ये दीप प्रज्वलन किसी परंपरा का निर्वहन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे संकल्पों को दोहराता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति जैन साहब, हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारीगण, जनपदों से पधारे हुए विद्यालयों के संचालक महोदया एवं बच्चों, केंद्र सरकार ने कहा कि हम किसानों को सम्मान निधि देंगे साल में 6,000 रुपए, लेकिन पारदर्शिता के साथ देंगे। बड़ी कवायदें हम लोगों ने की, सारा काम पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले किया और नंबर एक पर रहा कि चाहे वो छात्र हो, चाहे उसका अभिभावक हो, चाहे स्कूलों के संचालक हो, अरे ठीक है, आज नहीं कल हो जाएगा। अब बहुत मुअज्जिज लोग भी बैठे हैं, कल किसने देखा है, कल सुबेरा होगा फिर कल हो जाएगा, कल कभी आता नहीं। गुजारिश है, मेरे इल्तिजा है सभी मुअज्जिज लोगों से, चाहे वो डायस पे हो, चाहे वो सामने हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे संचालक हो, हर आदमी का दायित्व है कि बेईमानी को परे रखकर ऑनलाइन जो व्यवस्था की गई है इसको कर पर मत डालिए। आवाज ही जा करके जो हमारे छात्र हैं, जो सरकार से कुछ पाने के लिए जरूरतमंद भी है और पाने के हकदार भी हैं, उन्हें हमने देखा उत्तर प्रदेश में काफी काम हो रहा है। 70 से 75 जिले हैं, सभी जिलों में अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में ये उच्चतम स्तर पर हमने रिव्यू कराया गया तो ये पाया गया कि कुछ जिलों में विशेष रूप से प्रॉब्लम हो रही है। खास तौर से हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा लैगिंग बिहाइंड हो रहा है, मतलब उनका जो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम थोड़ा पीछे चल रहा है, कुछ ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। तो जब तक हम, जैसा कि अभी कमिश्नर साहब ने भी कहा, मैडम ने भी कहा, चांसलर साहब ने भी बताया कि जब तक हम बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, सरकार सुविधा दे रही है और हम इंस्टीट्यूट जो है रजिस्टर ही नहीं कराएंगे अपने आप को, तो रजिस्ट्रेशन ना होने से हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, बरेली में करीबन 190 इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज या स्कूल ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सिमिलरली बिजनौर में
430, देन अमरोहा 325, मेरठ मंडल में मेरठ जिले में 253, मुरादाबाद 444, पीलीभीत से आए हैं कुछ सज्जन, पीलीभीत के इंस्टीट्यूशन है नहीं है, तो पीलीभीत से इंस्टीट्यूशन नहीं है, पीलीभीत में काफी जा रहे हैं 747, 747, देन रामपुर में 359, सहारनपुर में 200. जब एवरेज यदि आप लगाएं एक एक इंस्टीट्यूशन में 10-20 बच्चे भी हों तो कितने बच्चों को हमारे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी. तो हमारा ये वर्कशॉप कराने का प्रयोजन मेन यही है, यदि आप लोगों को किसी भी वजह से कोई डिफिकल्टी आ रही है वो आप खुले मन से हमारे सामने रखें. नहीं भरा और जिसके कारण मुझे मेरा पैसा नहीं मिल रहा है और वो कहता है कि मैं क्यों फीस दूं, क्योंकि मुझे तो ये मालूम था कि मेरी स्कॉलरशिप मिलने वाली है. पर एक तो कोई भी स्टूडेंट अगर वो एडमिशन लेता है तो उसको बहुत साफ बताइए कि अब जो स्कॉलरशिप आने का सिस्टम है वो किसी इंस्टीट्यूट के खाते में कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रही है. अब जो भी स्कॉलरशिप आती है वो बच्चे के खाते में आती है, बच्चा खुद ही इतनी कम नॉलेज से उसको भरता है कि जब वो ऑनलाइन उस फॉर्म को भरता है तो बहुत सारी गलतियाँ छोड़ देता है. हमारे आधार कार्ड में ढेर सारी गलतियाँ हैं, उनको आप ठीक कराइए. माँ का नाम सही नहीं है, बाप का नाम सही लिखा हुआ नहीं है, कहीं वो जी लिख देता है, कहीं वो खान लिख देता है, कहीं वो मोहम्मद लिख देता है, और वो फिर सारे के सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं. जैसे आपने कहीं पर उसने इशरार खान लिख दिया, कहीं पर उसने मोहम्मद इशरार लिख दिया, अब वो दोनों और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कुछ और बोल रहा है और आपका जो आधार कार्ड है वो कुछ और बोल रहा है, बहुत बेईमान है. मुझे कहने में ये कोई डर नहीं है कि हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, हम भी उसमें से हो सकते हैं, कि वो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़ने ना आए, आए ना आए, हमें उसके कागज मिल जाएं और किसी तरह से हम उसकी स्कॉलरशिप ले लें और उसके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के कागज भर के दे दें, उसकी स्कॉलरशिप में से कुछ शेयर उसको दे दें और कुछ शेयर अपने पास रख लें, बच्चा भी खुश हम भी खुश. तो ये जो इस तरह की जो बेईमानी है, ये हम ईमानदार लोग जो काम कर रहे हैं उनको तकलीफ देती है कि उनका भी करियर खराब होता है, उनका भी काम करने में. यहाँ इस वर्कशॉप को करने के पीछे सबको लग रहा होगा इतने विलम्ब से क्यों किया जा रहा है. छात्रवृत्ति की स्कीम जुलाई में शुरू हो गई थी और हम नवंबर के लगभग अंतिम सप्ताह में हैं, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत सरकार का जो स्कॉलरशिप पोर्टल था NSP 1, उसको अपग्रेड किया गया और NSP 2 किया गया. विगत वर्षों में NSP 1 पे विभिन्न माध्यमों से कई सारी संस्थाएं जुड़ गई थी जिनका कोई बहुत विश्वसनीय स्रोत नहीं था कि संस्था कैसे जुड़ गई, वो संस्थाएं वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं नहीं करती हैं, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी किसी स्तर से मान्यता है या नहीं है, और उनमें पढ़ने वाले बच्चे या नहीं पढ़ने वाले बच्चे वास्तव में छात्रवृत्ति लेने के लिए पात्र या नहीं है, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न वर्षों में कई संस्थाएं उसमें जुड़ गई. तो भारत सरकार के स्तर पर निर्णय लिया गया कि इसको एक तरह इसकी फॉरेंसिक क्लिनसिंग की जाए, इसको साफ किया जाए. तो भारत सरकार ने जितनी संस्थाएं डाटाबेस में थी उनको वहां रखा, बच्चों के लिए ओपन रहा कि वो जिस संस्था में पढ़ते हैं उस संस्था के ID पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन संस्था से यह अपेक्षा की गई कि वो जैसे बैंक में होता है KYC नॉर्म्स, नो योर कस्टमर, तो यहां पर वो हमारे क्लाइंट हैं, नो योर क्लाइंट, हमारे पार्टनर हैं स्कॉलरशिप में, हम स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्कॉलरशिप देते हैं और वो स्कॉलरशिप बच्चों. मदरसे का नाम दो जगह है, एक जगह यूडाइस कोड के साथ में और एक जगह बिना यूडाइस कोड के साथ, जैसा कि पहले सालों में भी रहा है. बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म वहां पर उस साइट पर भर दिया जहां पर यूडाइस कोड नहीं है. जब वेरिफिकेशन का नंबर आया तो जो हमारी यूडाइस कोड वाली वेबसाइट थी वहां पर वो फॉर्म नहीं दिखाई दिए. मंच, मैं मुरादाबाद से AWC इंटर कॉलेज का नोडल हूँ. मुरादाबाद से AWC इंटर कॉलेज ब्लॉक मुडा पांडे में लगता है सर. और हमारी जो प्रॉब्लम है
इस टाइम जो अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में जो फॉर्म अभी पेंडिंग चल रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकम सर्टिफिकेट का ना होना। गार्जियंस अपनी मर्जी से फॉर्म तो किसी भी साइबर कैफे पर जाकर के भरवा देता है, फिल करा देता है और बाद में आके कॉलेज में प्रेशर करता है कि जी जब साइड पर विदाउट इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरा जा सकता है तो आप फॉर्म जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। सर्टिफिकेट चाहिए हर हाल में, मतलब हमें ऊपर से ऐसा ऑर्डर है कि सर्टिफिकेट उसमें लगा होना चाहिए हर हाल में, लेकिन मतलब स्टूडेंट्स या गार्जियंस उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। अब उनको हम कर भी उनको फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक वो हमें देगा नहीं, और हम उस चक्कर में उसके उसमें हम उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट का नहीं, देखिए स्टेट स्कॉलरशिप में भी इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है जी, कंपलसरी, और सेंटर में भी कंपलसरी है।